कानपुर देहात की नगर पंचायत रसूलाबाद में उक्त वक्त हड़कंप मच गया जब पानी की टंकी में तैनात कर्मचारी नगर पंचायत अधिकारी संजय कुमार को हजारों लीटर पानी की टंकी के अंदर जहर होने की सूचना दी, जिससे आदिवासी अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से कस्बे के कई वार्डों में जाने वाली सप्लाई को रुकवा दी। तत्काल SDM अंजू वर्मा ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अधिकारियों के हाथ पाँव फूल गए। अधिकारियों ने पहुंचकर पूरी हकीकत जानी तो पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा तो आला अधिकारियों को अवगत कराया कि पानी सप्लाई कर्मचारी को जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको पुलिस हिरासत में कोतवाली भेज दिया है। पानी सप्लाई कर्मचारी व आरोपित युवक दोनों ही कस्बा के में बताए जा रहे हैं। इन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। आरोपित किए गए युवक ने सप्लाई कर्मचारी को एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद शुरू हुआ मौत के खेल, जहां साजिश रची गई। आखिर में पानी की सप्लाई कर्मचारी ने कैसे जाना कि जहर की बोतल का पानी की टंकी में डाला गया है? इतनी ऊंचाई में पानी की टंकी ने चढ़ते न उतरते वक्त किसने देखा भी नहीं और रची गई पूरी कहानी। तो अच्छा क्या अधिकारी जो पानी सप्लाई बंद करवा दी गई, बच गई हजारों की लोगों की जान। SDM अंजू वर्मा व अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने बारीकी से जांच करने की बात कही। लोहिया नगर में पानी की टंकी बनी हुई है, जिसमें वहाँ आरोप लगाया गया है कि उसमें पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया। सर, क्या पूरा मामला है? ये मामला मेरे संज्ञान में EO नगर पंचायत की तरफ से आया था कि वहाँ की जो टंकी है उसमें पानी में नुमान करके एक कीटनाशक है, उसकी 500 ml की बॉटल मिली है और उनके चौकीदार जो कि वहाँ रहता है कि लेकर टंकी में, उसने ये बताया है कि एक आदमी को उसे टंकी से नीचे उतरते देखा, जिसने उस वक्त खुद स्वीकार किया है कि जो टंकी में मैं जहर डाल के आया हूँ। उसके बाद जब टंकी देखी तो उसमें बॉटल निकाली गई है और बॉटल और वहाँ का सैंपल सप्लाई तुरंत तत्काल रोक दी गई थी और अभी तक ड्रेन आउट नहीं कराया गया, क्योंकि ड्रेन आउट भी अगर हम बाहर करेंगे तो उसमें भी हो सकता है कुछ परेशानी अगर हो सकती है। इसलिए अभी पुलिस को CO साहब को मौके पर इन्फॉर्म कर दिया गया था और उन्होंने वहाँ मौके पर पहुंचकर ये जो केमिकल की बॉटल मिली है, इसके अलावा वाटर सैंपल और वहाँ का जो केयर टेकर था और उसके अलावा जो संदीप व्यक्ति थे और जो लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे उनको बुलाकर पूछताछ के लिए टीम दे दिया। पंचायत की जो पानी की सप्लाई है, जानकारी मिली थी उसमें कुछ पॉइजन आ गया था, क्या कुछ कारण रहा सर? कल मेरा जो पंप ऑपरेटर है वहाँ पे ट्यूबवेल चालू करता है, नंदकिशोर नाम है उसका, तो उसके माध्यम से सूचना मिली कि जब वो 5 बजे की तरफ बाहर से जा रहा था अंदर गेट के अंदर कैंपस के अंदर, तो एक लड़का टंकी के ऊपर से सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया, तो उसने उसको टोका कि ऊपर क्या करने गए थे। तो उसके बाद उस लड़के ने उसके साथ बदतमीजी की, पंप ऑपरेटर के साथ में गाली गलौज किया, मारा भी, एक दो चार हाथ भी मारे जी उसको। तब उसने पानी में कुछ कलर की आशंका उसने जताई कि साहब पानी का कलर चेंज है, उसने पानी में कुछ मिलाया है, मिला दिया। हमें सूचना मिली तो हमने सप्लाई के लिए मना कर दिया कि सप्लाई शाम की ना खोलें और सुबह भी सप्लाई नहीं खोली गई। तो शाम को ही मैंने उसके माध्यम से फिर तुरंत इंस्पेक्टर से बात की, इंस्पेक्टर रसूलाबाद से, और उनको अवगत कराया और एक तहरीर शिकायती पत्र उसी कर्मचारी के माध्यम से पुलिस को दिलवाया। सर, परमानेंट वहाँ पर कोई ऐसा दिन में कर्मचारी जो जिसकी ड्यूटी लगी दिन में वो फील्ड का भी काम करने लगता है, रात में वो वहीं पे रुकता है। हालांकि अब 24 घंटे ड्यूटी पंप पे रहेगी, कोई ना कोई कर्मचारी रहेगा 24 घंटे। तो उसी उसमें आज सुबह जब मैं वहाँ पे गया तो फिर मौके पे कर्मचारियों को ऊपर टंकी में दिखवाया गया, तो टंकी में नुमान की एक बॉटल 500 ml की मिली, जिसमें पॉइजन की बोतल। तो कर्मचारियों ने हम लोगों के सामने ही बोतल ऊपर से निकाल के लाए टंकी से पानी से, तो उसमें करीब 25% अभी दवाई अवशेष थे, बाकी दवाई मिक्स हो गई थी, पानी में मिक्स हो गई थी, पानी में स्मेल भी आ रही थी, तो उस पानी को ड्रेन आउट किया जा रहा है। ड्रेन आउट करके फिर उसकी टंकी की साफ़ सफाई विधिवत करा के, ब्लीच करा के, तब दोबारा टंकी रिलोड की जाएगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।